अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस के हवाले से बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। और यकीन कीजिए, डॉक्टर तो 100% गयो और अभी तक जो डॉक्टर नहीं गयो उसकी वजह समझ नहीं आ रही। या तो शायद मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, या डॉक्टर के जो सितारे हैं वो इतना ज्यादा उसे फेवर कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी अभी तक समझ से बाहर है कि अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी। या फिर तीसरी वजह यह है कि जो सारा गैंग है या जो सारे वारदात डालने वाले हैं, असल में इसका जो मास्टरमाइंड है वो कहीं डॉक्टर की फैमिली ही तो नहीं है। ये एक बड़ा अहम सवाल है और कम से कम मुझे जो अब महसूस होना शुरू हुआ है इस सारी डेवलपमेंट के बाद जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि डॉक्टर, उसके भाई और ये सारे जो लोग हैं, ये जो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, आप बाकायदा डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ये आम लोग नहीं हैं। ये बड़े मास्टर माइंड हैं, मास्टर प्लान्ड हैं और एक थिंक टैंक है जो इन सारी चीजों पर काम कर रहा है। तो 1970 की जो फिल्म है उसके लिखारे भी यही हैं, उसको लिखने वाले यही हैं, उसके एग्जीक्यूशन करने वाले भी यही हैं और बाकायदा इसके अंदर मोरों को और किरदारों को रखा गया है और इन किरदारों से काम लिया गया है। लेकिन कब तक बचोगे? जाहिर है एक ना एक दिन अंजाम तक पहुंचना है और ये मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूं कि डॉक्टर का जो अंजाम है वो उनकी एजुकेशन जो बाकी की है वो जाकर जेल में ही पूरी होगी और वहां पर तैयारियां हर तरह से मुकम्मल हैं। दाल शाल वफर मकदार में पहुंचा दी गई है, पानी में वो दाल बनाई जाएगी जो डॉक्टर को खिलाई जाएगी ताकि उसका मैदा सेट रहे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये देखिएगा आप, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। करंट रिव्यू सीरीज ऑफिशियल्स डॉक्टर शुजात अली, इन्होंने ये की है और 3 घंटे इन्होंने मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखा हुआ है और इन्होंने इनकी गर्दन पर टांग रखी हुई है, पांव रखा हुआ है, इनकी एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और तमाम तक डिटेल सामने रख रहे हैं। बेशुमार अप्रिसिएशन और क्रेडिट इन्हें जाता है। गुज़श्ता दिन जो इन्होंने 3 घंटे 5 मिनट की जो ट्रांसमिशन की हैं उसके अंदर अगर आप 1 घंटा और 52 मिनट के बाद जाकर देखें तो इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव साफी की, जिससे मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, उसकी एक वीडियो चलाई है, 12 से 13 मिनट की वीडियो है और वो देखें तो मेरे ख्याल में ये केस उसी वीडियो में सॉर्टेड आउट हो जाना चाहिए था, उस वीडियो के बाद ये केस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अभी तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या कोर्ट्स इस चीज पर जोर दे रही हैं कि 2000 की एज के लिए एक तो मेडिकल बोर्ड और दूसरा फौरी तौर पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करें। और मजीद इन्वेस्टिगेशन में सबसे जो अहम चीज है जिसकी हिदायत जारी की गई है वह है CDR डेटा शेयर किया जाए। अब यह CDR क्या है? कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड, यानी कि जो कॉल्स की गई हैं उनका रिकॉर्ड निकाला जाए। सारे ये जो सिम्स इस्तेमाल करते थे वो किधर कॉल करते रहे हैं, क्या क्या बातें होती रही हैं, किस तरह से बातें होती रही हैं, वो सारी डिटेल्स मंजरेआम पर आए और वो सारी डिटेल्स सामने रखें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो जो साथी हैं जिसको करंट रिव्यू सीरीज ने ऑफिशियली लाइव चलाया है उस सारी वीडियो को, उसमें वो ये जिक्र कर रहे हैं कि 2 नंबर्स वाजे तौर पर, यानी कोई इसमें प्राइमा फिशाई बात नहीं है, ये वाजे तौर पर क्लियरली 2 नंबर्स 2000 के घर के इर्द गिर्द घूमते हुए पकड़े गए या देखे गए हैं। उनकी तमाम तर डिटेल जो लोकेशन मॉनिटर की गई हैं, पहला नंबर है जी जो कि नूर बीबी के नाम पर है, जो डॉक्टर की वालदा हैं, जो इस केस में शामिल हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनका नंबर ट्रेस किया गया है और यह 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक इसी नंबर से, पहले नंबर से, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक 19 कॉल्स की गई हैं और 19 कॉल्स ये 2000 को की गई हैं और उनसे कॉन्टैक्ट किया गया है, बातचीत की गई है। और साथ साथ ये नंबर 6 अप्रैल से मूव होना शुरू होता है और एक एक जगह पर, यानी एक एक सिटी से होता हुआ ये कराची पहुंचता है और कराची में ये जाकर उनके घर के इर्द गिर्द एक लंबे टाइम तक ये नंबर एक्टिवेट रहा। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि, या ये दावा किया जा रहा है कि ये डॉक्टर का नंबर था और ये उनके घर की रैकी करने आया था, उनके घर के सारे रास्ते देखने आया था, उनके घर के जो 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 सारा वहां पर उस मोहल्ले में माहौल था उसे ऑब्जर्व करने कीनली देखने आया था। और ये अभी तक हतमी तौर पर नहीं सामने आ सका ये कितने लोगों का ग्रोह था जो उस घर के इर्द गिर्द पहुंचा था और वहां पर जाकर चीजें मॉनिटर कर रहा था और देख रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये दूसरा नंबर है, ये नंबर 14 अप्रैल को ये नंबर पंजाब यूनिवर्सिटी से एक्टिवेट होता है, एक SMS आता है और उस SMS के बाद ये नंबर एक्टिवेट होता है, ये नंबर कॉल करता है और 14 अप्रैल के बाद ये नंबर मूवमेंट शुरू कर देता है, यानी ये चलना नंबर शुरू कर देता है। 16 अप्रैल को ही 2000 को कराची से अगवा किया गया था, 16 अप्रैल को ये नंबर कराची में था और 17 अप्रैल को बाद में जाकर ये नंबर बंद हो जाता है और फिर यह दावा किया जा रहा है कि यह नंबर जहीर के भाई, डॉक्टर जहीर के भाई डॉक्टर शब्बीर का था। यह डॉक्टर शब्बीर हैं जो इससे भी बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बहुत तगड़ी पर्सनालिटी है, माशाल्लाह बड़ी रोबदार उनकी आवाज़ है, बड़ा रोबदार बोलते हैं और बड़े बहादुर भी समझे जाते हैं, लोगों को धमकियां भी देते हैं, मैसेजेस करते हैं और कमेंट में भी धमकियां देते हैं, बड़े तगड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज किए और उनका यह कहना है कि बड़े तगड़े हैं, माशाल्लाह से बड़े एक जानदार किस्म के शख्स हैं। इनका यह नंबर वहां पर ट्रेस हुआ है
और इस नंबर से ये तकरीबन कहा जा रहा है कि ये डेढ़ घंटा ये नंबर जो शब्बीर का था, जो डॉक्टर के भाई बड़े डॉक्टर का था, ये उनके इर्द गिर्द घर के इर्द गिर्द डेढ़ घंटा एक्टिवेट रहा और ये उसी दिन एक्टिवेट रहा जब दुआ ज़ारा अपने घर से भागी हैं। तो अब ये बात समझ आ रही है कि सिर्फ डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि उनके भाई की भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद जिस तरह से यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दिए गए और कनेक्टिंग डॉट्स एक एक करके मिलता जा रहा है और बड़ा एविडेंट है इट्स अ किडनैपिंग, ये किडनैपिंग है। और उसके बाद एक माइनर की शादी करवाई गई है और उस माइनर की शादी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान करवाई गई है और अब यह तासुर मिल रहा है कि शायद उसे आउट ऑफ सिटी ट्रेवल करवाया जाए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।